श्री देवादेव 1824 तीर्थंकर भगवान की, श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। यो मुख्य सुर मुनि नायकानां आचार्य पारं गतवान समग्रां ध्यान प्रभावेन प्रवृद्ध दीप्तिम् आचार्यवर्यम् प्रणमामि नित्यम्। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य गुरुवर श्री 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य विदुषारिका रत्न श्री विशुद्धमती माता जी की, परम पूज्य गुरु माँ विदुषारिका रत्न श्री प्रशांतमती माता जी की, जय बोलो अहिंसा में जैन धर्म की, आचार्य पद प्रतिष्ठापन महोत्सव की। बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आध्यात्म योगी श्री शांति सागर महाराज जी एक अद्वितीय महापुरुष थे। व्यक्तित्व कृतित्व हिमालय की तरह ऊंचाई के लिए हुआ था। लुप्त प्राय मुनि मार्ग का जीर्णोद्धार एवं श्रमण संस्कृति का परिचय विश्व को कराया था। चारित्र के षट खंडों पर विजय प्राप्त कर चारित्र धर्म के प्रमुख युग प्रवर्तक चारित्र चक्रवर्ती कहलाए थे। अभी तक दूसरा चारित्र चक्रवर्ती उत्पन्न नहीं हुआ है। देवशास्त्र गुरु के संवर्धन और संरक्षण करके आप गुरुनाम गुरु पद को प्राप्त हुए। सातिशय पुण्य के धनी, निमित्त ज्ञानी, सिंह के समान पराक्रमी, वायुवत निसंग, कष्ट सहिष्णुता, सागर के समान गंभीर, उपसर्ग विजेता, सिंह निष्क्रीड तपादी साधना से युक्त, कल्पवृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता, एकांतवादियों का मन जीतने वाले, द्वादश वर्षीय सलेखना से आत्मसाधक, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आद्य दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर जी हुए थे। मूलाचार में लिखा है, निर्ग्रंथ मुनि दर्शन ज्ञान वीर्य चारित्र और तप से जो निरातिचार पालन करता है और दूसरों को पालन पंचाचार पालन कराने में लगाता है और इनका उपदेश देता है, उन्हें आचार्य परमिष्ठ कहते हैं। महाबंध मंगल श्लोक में लिखा है, रत्नत्रय रूपी तलवार के प्रहार से मोह रूपी सेना को जो मस्तक विदीर्ण करता है तथा जो भव्य जीवों का परिपालन करते हैं, ऐसे आचार्य महाराज जी प्रसन्न होवे। आचार्य महाराज जी का शासन वीतराग शासन होता है और राजा का शासन सराग शासन होता है। आचार्य परमेष्ठ के जो चरणों में रहता है उनको स्वर्ग और मोक्ष की सामग्री प्राप्त होती है और राजा के प्रसाद से कुछ ऐहिक सामग्री मिलती है। राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, जब राजा प्रसन्न होता है भूमि और हाथियों का दान देता है और आचार्य परमिष्ठ जब प्रसन्न होते हैं वो अपने समान बनाते हैं। समडोली नगरी में श्री नेमी सागर और वीर सागर मुनिराज को निर्ग्रंथ दीक्षा देकर चतुसंघ ने उनको आचार्य परमिष्ठ से विभूषित किया था। आचार्य परमिष्ठ से
संतुलन करते हैं तो राजा का पद लघु होता है। इन्हीं कारण राजा भी इन महाप्रभु के चरणों के चरणों में रज के द्वारा अपने को धन्य समझता है। आचार्य श्री के वाणी में अद्भुत चमत्कार था, जादू थी। जहाँ छोटा सा नियम भी लेने से असंभव जैसा लगता था, इनके सद्भाव से संपूर्ण परिग्रह का त्याग करने वाले मुनिराज विहार करते दिखाई देने लगे। श्रेष्ठ संयम को आकर्षित करने वाले लोगों का काम अत्यंत कठिन सरलता से हो गया। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से ही आज उच्च मुनि परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा आई है। चारित्र रूपी चक्र रत्न के संचालित करते हुए धर्म चक्रवर्ती होते हुए भी चारित्र चक्रवर्ती में दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं अपूर्व कार्य से गुणों के कारण सन 1937 सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित हुए। अब चक्रवर्ती पद कब दिया जाता है? जब चक्रवर्ती जैसे महान कार्य करते हैं तब। इस पंचम काल में 20वीं सदी के पूर्व जैन धर्म का उद्योतन करने वाले अनेक महान आचार्य हुए, किंतु मुझे नेमिचंद्र चक्रवर्ती उनका स्मरण याद है। नेमिचंद्र आचार्य श्री ने विरचित गोमटसार कर्मकांड में एक गाथा आई है। जह चक्के नय चक्की छखंडम साधियम समघेन तैमयि चक्केन मया छखंडम साहियम समम। चक्रवर्ती अपने चक्र रत्न से छखंड को निर्विघ्नता से साधित करते अर्थात वश करते हुए उसी प्रकार मैं भी अपने बुद्धि चक्र से जीव स्थान क्षुद्र बंध बंध स्वामी वेदना खंड वर्गना खंड और महाबंध इन छह खंडों का परगामों को परमागम को अच्छी तरह से साधित किया था। श्री नेमिचंद्र आचार्य देव ने षटखंडागम को अच्छे से साधना की थी, इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती पद से विभूषित किया था। आचार्य श्री शांति सागर जी ने ऐसे महान कार्य किए थे, इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित किया था। मुनि दीक्षा से लेकर 17 वर्ष के बाद वो इस चारित्र चक्रवर्ती पद से विभूषित हुए थे। जैसे पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिमा के साक्षी से ही नवीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने का आगम का विधान है, उसी प्रकार दिगंबर मुनिराज रत्नत्रयधारी से ही मुनि दीक्षा लेने का आगम विधान है, उसी प्रकार आपने सिद्ध सागर मुनिराज से ब्रह्मचारी व्रत लेकर मुनिराज देवेंद्र कीर्ति जी से छुल्लक एवं मुनि दीक्षा लेकर उपयुक्त आगम विधान को पुनरुत्थान किया है। आगम के अनुसार मुनिचर्या, जब आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा धारण की थी तब साधकों में पूर्ण नग्नत्व और स्वतंत्र रीति से पड़घान विधि द्वारा आहार के करने रूप अनेक विपर्यास पनप रहे थे। आपने अनेक बार अनेक उपसर्ग सहन करके मुनिचर्या का पुनरुत्थान करने का महान कार्य करके दिगंबरत्व का पुनर्प्रकाश करके महान कार्य किया है। चतुर्विध संघ की स्थापना, आपने दीक्षा के प्रारंभ में साधु समाज
चतुर्विध रूप में संगठित नहीं थे। आपने चतुर्विध संघ को कली काले संघ शक्ति इस नीति के अनुसार धर्मात्माओं के संगठन द्वारा धर्म को बल प्रदान करने का महानतम कार्य किया है। निजाम द्वारा विहार करने पर कड़ा प्रतिबंध आया था, तब निजाम देश में और दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में आप निजाम के समीप अक्कलकोट पहुंचकर आदेश दिया संघ विहार स्वीकृति हेतु कोई भी डेप्यूटेशन में अधिकारी नहीं जाएगा, विहार संघ हेतु कोई भी अर्जी नहीं दी जाएगी और विहार मार्ग का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दिगंबर साधु अयाचक होते हैं, सिंह वृत्ति वाले होते हैं। इसी कारण आपके धर्म के दृढ़ता और पुण्य से निजाम के राजा को रात्रि में स्वप्न आया, जब अकबर बादशाह का पुराना इतिहास खोलकर देखिए और आप स्वयं इंतजाम करें जो नग्न विहार साधुओं को कोई तकलीफ ना होए, उसी समय निजाम राजा ने आदेश जारी किया। इस प्रकार आपने संपूर्ण देश में विहार करके नग्न साधुओं के लिए एक और दिगंबरत्व का मुद्रा का पुनरुत्थान करके जैन धर्म का ध्वजा ऊंचा करने का महान कार्य किया है। बाल विवाह प्रतिबंध, जब कोल्हापुर के दीवान जी सेठ जी आचार्य श्री के दर्शनार्थ तो पधारे थे, आचार्य श्री ने बाल प्रतिबंध कानून बनाने का उनको आदेश दिया। तुरंत उन्होंने राजा के समीप पहुंचे, गुरु का आदेश सुनाया और राजा ने वो आदेश स्वीकार करा और दूसरे दिन राजा ने हस्ताक्षर करके उस कुप्रथा का उन्मूलन कर दिया। पुनर्विवाह विधवा विवाह के लिए प्रतिबंध, आचार्य श्री कुछ भाइयों से चर्चा कर रहे थे, उस समय आपने कहा था इस जैन समाज में, इस जैन आगम में सर्वत्र शील धर्म का प्रतिष्ठापन हुआ है, जो विधवा विवाह करने का एक कार्य नीच लोगों का होता है, जिनके कषाय के उदय से पैर स्खलित हुआ है, उन व्यक्तियों को इस कार्य का समर्थन तथा प्रचार प्रसार न करके इससे पाप कार्य से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस समय दक्षिण प्रांत में कहीं कहीं विभाग में पुनर्विवाह की प्रथा का प्रचार बढ़ रहा था, आचार्य श्री के उपदेश से वो प्रथा कम हो गई और आचार्य श्री के सामने कई महिलाओं ने और लाखों लोगों ने प्रतिज्ञा की कि हम पुनर्विवाह नहीं करेंगे। विधवा विवाह से पात्र दान और मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाता है, इसलिए आचार्य श्री ने इन घृणित कुप्रथाओं का उन्मूलन करने का पूर्ण पुरुषार्थ किया है। तपश्चरण, आचार्य श्री ने इस कली काल में भी 1929 में सिंह निष्क्रीडित व्रत, जो चतुर्थकालीन साधुओं के द्वारा करने योग्य ऐसे महाव्रतों को करके तपश्चरण रूपी से आपने जैन धर्म में प्रभाव होने का मुख्य कार्य किया है। इस प्रकार आपने 6 महान कार्य करके इस पद को सार्थक किया है, अथवा आपने कर्नाटक प्रांत में जन्म लेके वहाँ भी जैन धर्म का उद्योतन किया था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
राजस्थान, गुजरात, बिहार इन प्रांतों सहित पूर्ण देश में यत्र तत्र विहार करके जैन धर्म और मुनि धर्म का उद्योतन किया था। जिस प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को षटखंडागम षटखंड जीतने के लिए दिग्विजय के लिए 12 वर्ष लगे थे, उसी प्रकार आचार्य श्री ने आचार्य पद के बाद 12 वर्ष के बाद वो चारित्र चक्र पद विभूषित हुए थे। तब भी उन्होंने 6 महान कार्य किए हैं। पहला कार्य किया है ग्रहित मिथ्यात्व का उन्मूलन किया है। उन पहले मिथ्यात्व की प्रचलन ज्यादा था, आचार्य श्री ने उन कुल सभी घरों में जाके उन कुल देवताओं के मूर्तियों को बैलगाड़ी में भरवाकर नदी में विसर्जन करने का और कितने वर्षों से जो जैन मंदिर तालों से बंद हुए थे उनके जिनेन्द्र भगवान की पूजन और अर्चन करने का पुनरुत्थान का महान कार्य किया है। जैन धर्म पर संकट आया था तब आचार्य श्री ने सन 1947 में अन्न त्याग करके और निरंतर जाप्य करके इन जैन जैनातनों का रक्षा की। आचार्य श्री की देन है आज साधु समाज में भी अजस्र प्रवाहित चल रहा है। आपने ज्ञान त्याग और तपश्चरण में अग्रणी आचार्य वीर सागर जी, नेमी सागर जी, नमी सागर जी, चंद्र सागर जी, पाय सागर जी, सुधर्म सागर जी, कुंथु सागर जी जैसे महान रत्नों को जन्म देकर इन साधु परंपरा का प्रवाह प्रवाहित किया है। ऐसे महान कार्य करके जैन धर्म का उद्योत किया है। आचार्य श्री ने 12 वर्ष की सलेखना का नियम था। इस भक्त प्रत्याख्यान का सलेखना का उत्कृष्ट काल 12 वर्ष का है। यह आगम वचन कई शताब्दियों से वेस्टर्न में वेष्टित था। आचार्य श्री ने 1951 में सिद्ध क्षेत्र गजपंथा में नियम को लेकर साधुओं को मार्गदर्शन किया एवं इस प्रशस्त लुप्त विधि को पुनरुत्थान कर समाज जैन समाज में महान कार्य किया है। इस मंदिर की शोभा तपारोहण कल से ही होती है। मंदिर की शोभा कलश से होती है। जैसे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाना जरूरी है वैसे ही तप एवं तपस्वियों के समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग करना ही कलश का कार्य होता है। समंत भद्राचार्य की समाधि मरणम क्रिया अधिकरणम इस कारिका के अनुसार आपने अपने तपोमय जीवन में अंत के 36 दिन में अपूर्व संलेखना पूर्वक इस शरीर का परित्याग किया था। ऐसे महानतम कार्य आपने किया था इसलिए आपको समाधि सम्राट पद से विभूषित किया गया। आपके इन महान कार्य से साधु और समाज के लिए एक प्रशस्त मार्ग का उद्बोधन करने का आपने यह कार्य किया है। जय बोलो देवाधिक हजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।